वहां पर वजीर आला बनी है जो अपने हल्के से हार चुकी है। गैरत शर्मनाक की शर्म नाम की एक चीज रत्ती बराबर इनके अंदर नहीं है। किस मुंह से ये इमरान खान की या इन लोगों के हवाले से ये बात करते हैं, कभी कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, कभी कोई नारा लगाते हैं कि कौम की आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ। आज आपने देख लिया कि कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया। गैरत नाम की जरा भी चीज होती तो ये उसी वक्त ही टिकट करा के या वापस भाग जाते या अदालत के सामने सरेंडर करते कि हम कौम के मुजरिम हैं, हम कौम के कसूरवार हैं और इसी वजह से कौम ने हमें मुस्तरद किया है। कैदी नंबर 804 ने ये साबित कर दिया कि कैदी नंबर 804 कप्तान इमरान खान इस मुल्क की जंग लड़ रहा है और कौम ने जिस तरह से उसका साथ दिया कि खंबे को जो टिकट देने की बात करता था कप्तान इमरान खान, खंबा भी जीता। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बेसिकली आप सब दोस्तों को बुलाने का मकसद ये था कि कप्तान इमरान खान साहब और उनकी एलिया साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के केसेस के हवाले से आपको बुलाया गया है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। कौम के सामने हम हकायक रखना चाहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें कप्तान इमरान खान या बुशरा बीबी साहिबा वो ट्रस्टी थी, इसी तरह तोशाखाना केस जिसमें वाजिया तौर पर आपने देखा कि तोशाखाना केस में पहले खान साहब को ट्रायल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई और उन्हें जिस तरह से चंद मिनटों के अंदर जहां पर कोई कानूनी प्रोसीजर जो है फॉलो किए बगैर घर में पुलिस जिस तरह से घुसी, बेडरूम तक दाखिल हुई, जिस तरह से 9 मई को खान साहब को अगवा किया गया उसी तरीके से अगवा करके लेकर आए और दूसरी दफ़ा फिर तोशाखाना केस के अंदर सजा सुनाई गई। आपने देखा कि कानून बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है कोई भी तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर एक केस चल सकता है, लेकिन यहाँ पर तीन कार्रवाइयाँ चलाई गई। खान साहब को मुकम्मल तौर पर ना तोशाखाना केस में, ना अलकादर ट्रस्ट केस में और ना ही इद्दत के दौरान निकाह केस में खान साहब को या बुशरा बीबी साहिबा को हक़े दिफा दिया गया। आपने देखा कि किस तरह वकीलों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और सरकार ने अपनी तरफ से ही प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके खान साहब को और बीबी साहिबा को चंद दिनों में सजा सुनाई गई, जिसमें कानून आइन की धज्जियां उड़ाते हुए सजा सुनाने का जो फैसला ये किया गया था, जो कि लंदन एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन की पादाश में ये सारी कार्रवाई इसलिए डाली गई थी कि लोगों के अंदर 8 फरवरी के हवाले से एक उससे पहले एक मायूसी पैदा हो कि कप्तान इमरान खान या उनकी फैमिली या पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है और लोग वोट कास्ट ना कर सकें। लेकिन आपने देखा कि कप्तान इमरान खान ने 200 केसेस का जिस तरह दिलेरी से, बहादुरी से, जुर्रत से मुकाबला किया, आपके सामने उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमेशा जब भी हमारी मुलाकात हुई कप्तान ने हमें हौसले की बात की, हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये मुझे सजा सुनाना चाहते हैं। अदालत के अंदर खान साहब ने कहा कि बेशक मुझे सजाए मौत सुना दें, मैं नहीं डरता क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और सजा आप सुनाएं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे ये ज़रूर आप क्रेडिट देंगे कि मैंने ये जो अमेरिका की जिन्होंने ग़ुलामी की और उस ग़ुलामी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने मुदाखलत करके एक आइनी वज़ीर आज़म को जिस तरीके से अदम एतमाद ले कर ही आए, जिस तरह सिंध हाउस में मणियाँ लगा कर जिस तरह सारा ये प्रोसेस किया, उन्होंने कहा कि मैंने इनको नंगा किया है, ये क्रेडिट मुझे जाता है। दूसरी बात यह है कि
बुशरा बीबी साहिबा को जूं ही पता चला कि उन्हें सजा सुना दी गई है और आपने देखा कि वो खुद चलकर अडयाला जेल के अंदर तशरीफ ले गईं और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे अरेस्ट किया जाए। उन्होंने ये रास्ता चूज नहीं किया कि मेडिकल का बहाना बनाकर या वहां से भाग जाएं जिस तरह ये लंदन पहले भागते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, और दोनों कप्तान हो या उनकी एहली हो, वो कौम के साथ डट के खड़े हैं। आज भी अगर वो चाहें तो एक मिनट में बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर हमारे इदारे आज़ाद हों, कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, और ये कौम इन गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने कभी आइन तोड़ा। इलेक्शन कमीशन, आपने देखा कि बार बार हम ये बात करते रहे कि इलेक्शन कमीशन जिस बाइसनेस का मुजाहरा कर रहा है कि बल्ले का निशान छीनना, कप्तान इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना या रिजर्व सीटों के हवाले से अभी भी फैसला महफूज किया हुआ है, और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजलास जारी हैं। जिस तरह से उन्होंने इजलास बुलाया जो कि इख्तियार ही नहीं रखते थे, और आपके सामने बड़ा वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर जिन जिन लोगों ने, चाहे वो इलेक्शन डिले के अंदर उन्होंने उस प्रोसेस का हिस्सा बने जिन्होंने इलेक्शन डिले किया वो सारे, या जिन्होंने जिस जिस मौके के ऊपर आइन तोड़ा उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये है कि बुशरा बीबी साहिबा से आज भी मैंने रिक्वेस्ट की उनको कि आज मुलाकात का दिन है, लेकिन आज उन्होंने मेरी मुलाकात करने की मुझे इजाज़त नहीं दी। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि लास्ट हेयरिंग के ऊपर भी जब मुलाकात हुई तो बाहर आके हमने बताया कि वो किस कंडीशन में हैं, किस तरह से उनको खाना दिया जा रहा है, और हम बार बार मुतालबा कर रहे थे कि मेडिकल के लिए जो हमने दरख्वास्त दी है उसकी मंजूरी करते हुए टीम भिजवाई जाए, डॉक्टर फैसल जो उनके डॉक्टर हैं, मौलज हैं, उनको इजाज़त दी जाए, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अडयाला जेल में जाना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जहां पर दूसरी ख्वातीन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की या पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के हर अमीर गरीब जितने भी लोग हैं, कैद हैं, बच्चे कैद हैं, जो जो लोग कैद हैं, जहां पर दूसरे कैद हैं, मैं भी वहां पर रहना चाहती हूं। अजीब तरीके से बहाना बनाया गया, कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं, कहा गया कि वहाँ पर जेल के अंदर जगह नहीं है, कहा गया कि वो साबका खातूने अव्वल हैं तो इसलिए उनको वहाँ पर हम जो है इजाज़त नहीं दे रहे या वहाँ ये मजबूरी है, ये सारे बहाने हैं। और सुनने में ये आया कि किसी तरीके से कप्तान इमरान खान को भी वहाँ पर ट्रांसफ़र करके उन्हें जमान वहाँ पर बनीगाला में शिफ्ट करने के हवाले से कोई ऐसी हमें न्यूज़ मिली, लेकिन वाजह तौर पर कहना चाहते हैं कि कप्तान इमरान खान ने इनकार किया है, बीबी साहिबा ने इनकार किया है, और बीबी साहिबा ने यह कहा है कि मैं कप्तान इमरान खान अपने खावंद के साथ, इस कौम के साथ डट के खड़ी हूँ, ये कभी भी हमें ना तोड़ सकते हैं ना मजबूर कर सकते हैं, जितने मुकदमात इन्होंने करने हैं करें, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो मुल्क के अंदर धांधली की गई है फॉर्म 45 के मुताबिक, हम वाजह तौर पर पूरे पाकिस्तान में जीते हैं, और वाजह तौर पर आपने देखा कि जितनी धांधली की गई उसके बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है इस वक्त भी सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीत गए, और आपने देखा कि इन्होंने फॉर्म 47 में धांधली करके इस मुल्क के ऊपर कब्जा जमाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम किसी सूरत इनको, इनकी कोशिश को, जो इन्होंने प्लान लंदन में बनाया था उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। खान ने हफ्ते के रोज़ काल दी है, और इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान निकलेगा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, और ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। और ये जो वहाँ पर वजीर आला बनी है, जो अपने हल्के से हार चुकी है, गैरत शर्मनाक की, शर्म नाम की एक चीज़ रत्ती बराबर इनके अंदर नहीं है। किस मुंह से ये इमरान खान की या इन लोगों के हवाले से ये बात करते हैं, कभी कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, कभी कोई नारा लगाते हैं कि कौम की आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ, आज आपने देख लिया कि कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया,
गैरत नाम की जरा भी चीज होती तो ये उसी वक्त ही टिकट करा के या वापस भाग जाते या अदालत के सामने सरेंडर करते कि हम कौम के मुजरम हैं, हम कौम के कसूरवार हैं और इसी वजह से कौम ने हमें मुस्तरद किया है। कैदी नंबर 804 ने यह साबित कर दिया कि कैदी नंबर 804 कप्तान इमरान खान इस मुल्क की जंग लड़ रहा है और कौम ने जिस तरह से उसका साथ दिया कि खंबे को जो टिकट देने की बात करता था कप्तान इमरान खान, खंबा भी जीता। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हक की फतह होगी, सच की फतह होगी। ये सारे जितने चोर डाकू हैं किसी सूरत हम इनको मुसल्लत नहीं होने देंगे।